जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री, कहा प्रदेश पहले शांति का टापू था तो वहीं अब अपराध का महाद्वीप बन गया है। सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, प्रदेश का मुखिया कौन पता ही नहीं चल रहा है। मौका था राजनिवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पिछले 15 साल तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने राजनिवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं, यहाँ पता ही नहीं चल रहा प्रदेश कौन चला रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहद खराब है, अगर यही बदलाव है तो ये हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस व्यवस्था सुधार ले, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब यही वक्त बदलाव का है कि डकैतों का राज फिर से कायम हो रहा है। मैं दोनों बच्चों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, खिलने के पहले ही डाल से तोड़ दिए गए। मैं माता पिता की स्थिति का अंदाजा लगा सकता हूं, अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन केवल शाब्दिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। अब और बच्चे श्रेयांश प्रियांश ना बने, आगे कानून और व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो, सरकार को ये प्रयास करने पड़ेंगे। अभी जो मुझे जानकारी मिली, लगभग 6 हत्याएं रोज हो रही हैं। लगभग महिला अपराधों की संख्या अलग अलग तरह के 50 दिनों में 6,000 घटित हुए, 5,467 चोरियां, लूटपाट 213, डकैतियां अलग, और सरकार केवल ट्रांसफर में लगी हुई है। किसी अफसर को यह भरोसा नहीं कि वो आज है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रदेश ऐसे नहीं चलता। और एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रदेश आखिर चला कौन रहा है।